बड़ी खबर आ रही है, अधीर रंजन चौधरी को अचानक पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। और बैठक खत्म होने के बाद अधीर रंजन चौधरी बोले, मैं बैठक से पहले अध्यक्ष था और बैठक के बाद पूर्व अध्यक्ष हो गया हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और तत्काल प्रभाव से फैसला लागू हो गया, अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में लगातार ममता सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, वो ममता सरकार की के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है। ये कांग्रेस का एक्शन है या ममता के खिलाफ बोलने का रिएक्शन है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ जी, ये एक तरह से अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस के खिलाफ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जाति पूछो जनता की, नेता की जाति नहीं पूछनी चाहिए? देखिए, आपका सवाल गलत है। क्यों? आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की जैसी की आदत है हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट गाली देके बात करने की। आपसे मैं पूछूं कि आपको पता ही नहीं आपकी जाति कौन है, क्या है आपकी जाति? गाली तो नहीं? क्या आपको यही नहीं पता आपकी जाति? ये गाली है, बिल्कुल गाली। हमें पूछे कि आपकी जाति क्या है तो आप जाति बता दोगे मेरी क्या है? हम ये कहेंगे कि आपको आपकी जाति नहीं पता है, इसके मतलब आपको आपकी जाति ही नहीं पता है, इसके मतलब आप कौन सी गाली देना चाहते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। दोनों शब्दों में फर्क है। अगर हम आपसे कहें कि अमीश जी आपको आपकी जाति नहीं पता है, या अमीश जी आपकी जाति क्या है, तो आप बता देंगे। तो दोनों में शब्द दोनों में फर्क है। और जो पार्लियामेंट के अंदर में बोला गया वो ये बोला गया कि कुछ को पता ही नहीं है कि उनकी जाति क्या है, इसके मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? भैया मंत्री जी, आप तो मंत्री रहे हैं, ऐसी भाषा। अखिलेश जी ने जो बोला, अखिलेश जी को कोट करो, मैं अखिलेश जी को कोट करो। अखिलेश जी ने पूछा कि सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? इसलिए उन्होंने बोला, फिर आप लोग फिर जब जाति का जनगणना करेंगे देश की जनता की जाति पूछेंगे और अपनी जाति में घुसाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्शन किया क्योंकि आप गलत बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि आपको पता ही नहीं आपकी जाति क्या है, इसलिए खड़े हुए वो। मैं तो अखिलेश जी का बयान बता रहा हूं। अरे जो सवाल था, क्वेश्चन जवाब उसके हिसाब से गया। मैंने उन्होंने खड़े हुए बीच में बोले कि हम तो चाहते हैं जाति जनगणना कराना, आप भी कह रहे हैं जाति पूछना गाली है। जाति पूछना नहीं, फिर ये पूछना कि आपको पता ही नहीं आपकी क्या जाति है, इसके मतलब आप किसको गाली देना चाहते हो? परिवार के किस सदस्य को गाली दे रहे हो ना पिंडा? और धर्मेंद्र यादव जी ने जो अबे तबे करा था वो गाली नहीं। अच्छा, फिर तो नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ अबे गाली नहीं है, मैं फिर कहता हूँ बेईमान गाली नहीं है। गाली तो वो होती है जो रमेश बिदुड़ू ने खड़े गौरव भाटिया। गौरव भाटिया कम इन, मलूक नागर ऑल्सो वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके गौरव।